आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे आईफोन 11 के बारे में, जो कि एप्पल ने अभी पूरी तरीके से वेरीफाइड नहीं किया है कि आईफोन 11 ही एप्पल लॉन्च करेगा, बट इसका जो क्लोन मॉडल है आईफोन 11 का वो चाइना में लॉन्च हो चुका है और बहुत सारे रिव्यूअर्स ने उसको मंगा के रिव्यूज़ भी दिए हैं। यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं या फिर आप मेरी इस वीडियो में आईफोन 11 का फर्स्ट लुक भी देख सकते हैं। आज हम तीन चीज़ों पर बात करेंगे इस स्मार्टफोन से रिलेटेड। पहला होगा इस स्मार्टफोन की डिज़ाइन और दूसरी चीज़ होगी वो होगी इसकी प्राइस और जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा इस स्मार्टफोन के फीचर्स। तो चलिए इन तीनों टॉपिक्स पे बात करते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस फर्स्टली बात कर लेंगे इस अपकमिंग स्मार्टफोन के डिज़ाइन से, यानी कि आईफोन 11 के डिज़ाइन से। तो डिज़ाइन वाइज यार आपको फ्रंट से शुरुआत करते हैं, तो फ्रंट में आपको आईफोन 10, 10S, 10S Max जैसा ही डिज़ाइन देखने को मिलेगा। इस अपकमिंग स्मार्टफोन में 5.8 इंच की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसके ऊपर आपको नॉच देखने को मिल जाएगा जो कि आईफोन 10, 10S Max में यूज़ किया गया था। वहाँ पे आपको 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। बैक लुक की बात कर लेते हैं, तो बैक लुक में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं जो कि कैमरे में चेंजेस किए गए हैं। बैक में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा 12+12+12 मेगापिक्सल का। बट एप्पल ने ऐसा कुछ अभी बताया नहीं है कि वो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप ही देगा, बट जो क्लोन मॉडल लॉन्च हुआ है चाइना में उसके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे आपको 12+12+12 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। ओवरऑल डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, तो डिज़ाइन ओवरऑल आईफोन 10, 10S, 10S Max जैसा ही है, बस वही थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं कैमरा में। गाइस इस स्मार्टफोन से रिलेटेड दूसरी चीज़ है वो है इसके फीचर्स। फीचर्स की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको इसके प्रोसेसर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आईफोन 10S, 10S Max में जो प्रोसेसर यूज़ किया गया था, यानी कि 812 बायोनिक चिप, वही इसमें यूज़ किया जा सकता है। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ पे कि 812 बायोनिक चिप ही यूज़ किया जाएगा, लेकिन अब तक का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है ये एप्पल में, तो शायद यही यूज़ किया जा सकता है, यानी कि यही यूज़ करेगा एप्पल 812 बायोनिक चिप। बात कर लेते हैं इसके OS की, तो यहाँ पे आपको iOS 13 जो कि अभी लॉन्च नहीं हुआ है, iOS 13 एप्पल ने अभी लॉन्च नहीं किया है, लेकिन उसका बीटा वर्जन जो लॉन्च हो गया है इसमें लेटेस्ट आपको OS देखने को मिल जाएगा iOS 13। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की इंटरनल स्टोरेज की, तो इंटरनल स्टोरेज वाइज आपको आईफोन 10S, 10S Max जैसा ही इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। 64GB, 128GB, 256GB एंड 500GB तक आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं इसके तीसरे चीज़ की, यानी कि इसके प्राइस की, तो प्राइस वाइज यार अब तक का सबसे महंगा स्मार्टफोन हो सकता है ये, 1.5 लाख के ऊपर, यानी कि 1,50,000 तक इसकी प्राइस हो सकती है, जो कि अभी तक 1,40,000 थी आईफोन 10S Max की प्राइस, लेकिन एप्पल का अब तक का सबसे महंगा स्मार्टफोन हो सकता है ये, 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए इसकी प्राइस हो सकती है। गाइज ये रहा आईफोन 11 के कुछ फीचर्स और कुछ डिज़ाइन के बारे में हमने ये बात की, आई होप आपको पसंद आया होगा। गाइज ये जो फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताए हैं वो लीक्स के मुताबिक ही आपको बताए गए हैं, क्योंकि जो लीक्स में लीक्स हुए हैं, यानी कि जो चाइना में इसका क्लोन लॉन्च हुआ है आईफोन 11 का, वो जितनी भी चीज़ें उसमें बताई गई हैं या उसमें दिखाई गई हैं या उसमें दी गई हैं, वही चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, अलग से कुछ मैंने